से देखा होगा तुम्हारे नाटक में बहुत आज तुम मेरे हाथ बचे की आज मैं बाहर डालू थी प्लीज मुझे माफ कर दो रवि प्लीज मुझे छोड़ मैं जीना चाहती रवि प्लीज मुझे माफ कर दो क्या किया है अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है रवि कोई गलत 12:30 बज गए मैं जो अभी मैं लोगों को चैन नहीं ये आवाज़ें शायद यहीं कहीं से आ रही है लेकिन इतना रात को कौन हो सकता है मैं बालकनी में चल कर देखता हूँ बहुत दिन से नाटक देख रहा हूँ मैं आज तू मेरे हाथों से मार डालूंगा तुझे रवि प्लीज मुझे माफ कर दे रवि देखो शायद मेवे के बीच में कुछ तमाशा हो रहा है सुनो अरे सुनो कोई कोई तो सुनो आज की बनाजी गलती मैं कभी नहीं करूंगी मैं कभी किसी के सामने मुंह नहीं खोलूंगी मैं यहां से कहीं दूर चली जाऊंगी प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो मैं तुझे इस दुनिया से ही दूर भेज देता हूं कैसा आदमी है यार जिसके साथ रहना उसी को मारने की कोशिश कर रहा है रुक मैं ऐसा नहीं करूंगा मैं ऐसा नहीं करूंगा भाई साहब दरवाजा खोलिए और ठीक है भाई साहब दरवाजा खोलिए भाई साहब क्या बात क्यों दरवाजा तोड़ रहे हो तुम यार क्या परेशान आप अपनी बीवी के पीछे क्यों पड़े क्यों मार रहे हो उसे कहा है मुझे देखना उसे कौन हो तुम यार अकल तो ठिकाने पे है तुम्हारी मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ मैंने खुद देखा आप अपनी बीवी को मार रहे थे अरे पागल है क्या यार मैं क्यों मारूंगा अपनी बीवी को पागल मैं नहीं पागल तू है मैंने खुद देखा है कि तू अपनी बीवी का खून कर रहा था देख मैं कह रहा हूँ चुपचाप अपने घर चला जा तो मैं चिल्ला चिल्ला कर पूरी बिल्डिंग वालों को चिल्ला कर लूंगा और सबको पता चल जाएगा कि तेरा दिमाग खराब हो गया है चिल्ला जोर जोर से चिल्ला आने दे सबको सबको पता चल जाएगा कि तुमने अपनी पत्नी का खून किया है तुम कातिल है कातिल तुम्हारी भला इसी में चुपचाप अपने घर चले जाओ अरे भाई क्यों लोगों की नींद खराब कर रहे हैं आप क्या बात है क्यों लड़ रहे हैं आप अच्छा वो सेक्रेटरी साहब आप आ गए ये आदमी खूनी है इसने कुछ देर पहले अपनी बीवी का बेरहमी से खून किया इसकी बीवी रहम की भीख मांग रही थी मुझे छोड़ दो लेकिन इसने उसकी कोई फरियाद नहीं सुनी मार दिया उसको और अपनी बीवी का खून कर दिया अरे पागल हो गया ये आदमी कितनी देर से तंग कर रहा है मुझे अरे मैं भला अपनी बीवी को क्यों मारूंगा अगर ये सच बोल रहा है तो पूछे इसे कि ये चाकू उसके हाथ में क्या कर रहा है पूछे ये चाकू मालूम है तुम्हें किस काम पे आता है ये ट्रैक पे पटर और जैन लगाने के काम पे आता है अरे मुझे भूख लग रही थी मैं ब्रेड पर जैम लगा के खा रहा था बस जो झूठ बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इसने अपनी बीवी का खून किया खून कातिल है सियाफत है ये अब ब्रेड पे बटन लगा के खाना भी क्या गुनाह है क्या रवि साहब देखिए दिखाने में क्या है आप दिखा दीजिए समीर साहब को भी तसल्ली हो जाएगी और हमें भी ठीक है आप लोग मेरी बीवी को देखना चाहते आइए अंदर सो रही है वो आप कहें तो जगाऊं रहने दीजिए आप चाहे तो बात करके जाए जाए नहीं नहीं रवि साहब रहने दीजिए ये कैसे हो सकता है मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इसने किचन में अपनी बीवी का खून कर दिया ये कातिल है सर खूनी है पन कीजिए पागलपन समीर साहब पूरी बिल्डिंग को जगा दिया आपने जाइए अपने घर जाकर सो जाइए रात को किसका फोन हो सकता हेलो हेलो समीर प्लीज मुझे बचा लो आप कहाँ से बोल रही हैं कौन है मैं फ्लैट नंबर 601 से जया बोल रही हूँ मेरा पति मुझे मार डालेगा प्लीज मुझे बचा लो समीर हेलो देखिए अब बिल्कुल बेफिक्र मैं अभी आ रहा हूँ ठीक है चलकर देखते हैं तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है जय जी दरवाजा खोलिए जय जी दरवाजा खोलिए लोग आ गए तुम लोग देखिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए जय जी हम सभी लोग आ गए अब आप कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते जय जी ये आदमी पागल हो गया है क्यों आप इस पागल के साथ दे रहे हैं ए तू चुप तेरा खेल खत्म जय जी तुझे मैंने पहले भी समझाया था ना कि अपने दिमाग का इलाज करा तूने सुना नहीं ठीक से है मैंने अपने कानों से ठीक से सुना तू जया जी से कह रहा था कि तू उसे मार देगा लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले हम सबके जीते जी तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता कुछ भी नहीं देख रहे हो आप कैसी कैसी बातें करता है आदमी तू देव साहबों के बीच में आता है जो भी है मुझसे बात कर बता बता तेरी बीवी का है बता तो बाथरूम में बुलाओ उसे बुला बुला जय
जय डार्लिंग, कुछ लोग मिलने आए हैं तुमसे। रुको आती हूँ। अब पता चल ही जाएगा आप लोगों को। रवि, कौन है ये सब लोग? ये लोग हमारे पड़ोसी हैं और इन्हें लग रहा था कि मैं तुम्हें जान से मारने वाला और तुमने कॉल करके इन्हें अपनी मदद के लिए बुलाया। पता नहीं क्या क्या सुन लेते हैं आप लोग। लेकिन कुछ देर पहले आप ही ने मुझे इंटरकॉम करके कहा था कि आपके पति आपको मारना चाहते हैं। मैंने कहा था इंटरकॉम पे? जी नहीं तो मैंने खुद अपने कानों से सुना। जब मैं आप सभी लोगों को इकट्ठा करने जा रहा था तब मैंने दरवाजे पर कान लगा कर सुना, ये आपसे कह रहा था कि आपको मार देगा, धमकी दे रहा था आपको। बहुत हो गया मिस्टर समीर, इनफ। बस रवि, आप चिंता मत कीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। एंड मिस्टर समीर, अगर दोबारा आपने इस तरह की कोई हरकत की तो मैं सीधा पुलिस को कॉल करूंगा, ये बात आप याद रखिएगा। मैं सच कह रहा हूँ। चलिए भाई, आप लोग चलिए, सब लोग चलिए। आप लोग मेरी बातों का विश्वास कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। जाइए मंदिर जाओ। तो अपने आप जाएगा या मैं तुझे फिर से धक्के मार के निकालूं? जाता हूं। क्या देखभाल करते हो? हाँ, ये पान खाकर किसने थूका यहाँ पर? मैं तो ड्यूटी पर ही रहता हूँ साहब, नीचे था अपनी कैबिन में। फिर भी तुम्हें पता नहीं कि यहाँ कोई पान खाकर थूक गया? नहीं साहब, पता नहीं किसने थूका। ये बहाने बनाना बंद करो, समझे? यहाँ पर काम करना है तो आंख और कान खुले रखकर काम करना पड़ेगा। और बाकी के वॉचमैन को भी बोल देना ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर, सबको निकाल दूंगा नौकरी से। अरे क्या हुआ, घर में फटाका बजा क्या? नहीं, लगता है गोली की आवाज है, तुमने सुनी? हाँ, शायद ऊपर से आवाज आई है, देखते हैं। रवि का दरवाजा खुला है, शायद आवाज यहीं से आई है। ओह माय गॉड, खून हुआ है यहाँ पर। पीछे ये क्या है? देख ले सर। सर ये मरा नहीं है, बेहोश है। बेहोश है? इसको होश में लाने के इंतजाम करो। गोली तो चली है इस गन से, कहीं यही तो खूनी नहीं है। ये जो बिल्डिंग का सेक्रेटरी है ना, देव, उसको बुला जाओ। देव। सर, गोली यहां लगी है। जरा देखना ये कौन है? अरे ये तो समीर है, सामने के फ्लैट में रहता है। ये दोनों पति पत्नी नहीं है? नहीं सर, ये तो जया है, इसी फ्लैट में रहती थी, इसके पति रवि हैं। ये रवि का है? पता नहीं सर, शायद कहीं बाहर गया होगा। सामने के फ्लैट में रहने वाले ने गोली मार दी। उठो। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे, इतनी भीड़ क्यों है? आप लोग कौन है? तुम्हारे हाथ में गन थी, इस औरत को गोली लगी है और पूछ रहे हो कि क्या हुआ यहाँ पे? हाँ, रवि की बीवी जया और किस भोले बनने का नाटक कर रहा है? मैंने किसी का खून नहीं किया। क्या हो रहा है सर, ये सब क्या हो रहा है? मेरी बेबी को किसने मारा? जय,
जया क्या हो गया इसमें? जया? एक मिनट आप प्लीज लाश को हाथ मत लगाइए। आप लोग कौन? हम लोग CID से। आप रवि हैं? हाँ। ऐसे। ये आदमी क्या कर रहा है? ये आदमी मेरे घर में क्या कर रहा है? इसी ने जया को गोली मारी है। इसने मारी? अरे क्यों मारा तूने जया को? जो 3,000 दिन से तुम ड्रामा कर रहे थे वो सब किसी लिए था? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं पहले यूं जया जी को मारूंगा। मैं खुद परेशान हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सर इस आदमी ने बहुत दिनों से मेरा सुख चैन सब कुछ छीन रखा था, मुझे रोज परेशान करता था, और देख लीजिए आज आज इसने मार डाला ना मेरी बीवी को। इसने मेरी बीवी को मारा और देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। संभालिए अपने आप, इसे सजा कानून देगा, भरोसा रखिए हम पे। रेडी, अरेस्ट करो इसे। मैं निर्दोष हूँ सर। रवि आप जरा हमारे साथ आइए। सर मैंने कुछ नहीं किया। रवि आपको ऐसा क्यों लगता है कि समीर ने आपकी वाइफ का खून किया? सर वो कई दिनों से रात को आकर मेरा दरवाजा खटखटाता था, उल्टी सीधी बातें करता और बार बार कहता था कि मुझे तुम्हारी बीबी से मिलना। कैसे उल्टी सीधी बातें करता था? कभी कहता था सर कि मैं अपनी बीवी का खून कर रहा हूँ, कभी कहता था कि मैं अपनी बीवी पर चाकू से हमला कर रहा हूँ। क्यों क्यों कहता था ऐसा? मुझे नहीं पता सर। सर वो रोज रात को पूरी बिल्डिंग वालों को इकट्ठा कर मेरे घर पर ले आता था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप पूछ सकते हैं आप इन लोगों से। अरे इन लोगों ने तो अपनी आंखों से देखा है सर। जी सर वो हम सबको भी बहुत परेशान करता था। तुम्हारा कभी झगड़ा हुआ था समीर के साथ? नहीं सर, मैं तो उसको जानता तक नहीं, बस लिफ्ट में आते जाते दिख जाता था मुझे कभी वो। रवि ऐसा हो सकता है कि समीर तुम्हारी पत्नी को जानता हो, शायद पहले कभी दोस्ती रही हो इनमें। मेरी बीवी इसको बिल्कुल नहीं जानती सर। सर वो तो इसके बार बार मेरे घर आने से खुद परेशान थी। वही तो बात होगी जो वो तुम्हें बार बार इस तरह से परेशान करता था। और अगर उसने तुम्हारी बीवी का खून किया है तो कोई ना कोई बड़ी वजह तो रही होगी ना। पता नहीं सर, सर मैंने समीर का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा सर। ये समीर का घर यही है ना? जी सर यही घर है समीर। रेडी सचिन, इस समीर का घर चेक करो अच्छी तरीके से। ये समीर की बालकनी से रवि का किचन एकदम साफ दिखाई देता है। ये समीर वहीं से नजर रखता होगा जया पे, और जैसे ही उसे मौका मिला जया अकेली है घर में, मार दिया उसे। फ्रेडी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। ये क्या है? मेडिसिन का बॉक्स। इसका मतलब ये देखने से लगता है कि समीर को कोई बीमारी थी। बीमारी थी, दिमाग की बीमारी। ये देखो दवाई का पेपर। उमंग हॉस्पिटल, डॉक्टर कमल, साइकेट्रिस्ट। ये डॉक्टर कमल को ही पता होगा कि समीर को कौन सी दिमाग की बीमारी है। आप लोग? हम लोग CID से हैं, डॉक्टर कमल है ना? जी सर। हम एक मरीज के बारे में पूछताछ करने आए, समीर नाम है उसका, और उसका इलाज यहीं पर हो रहा है। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर। इलाज तो अभी भी हो रहा है और थोड़ा वक्त लगेगा उसे ठीक होने में। वैसे समीर का इलाज आप ही कर रहे हैं ना? हाँ इलाज तो मैं ही कर रहा हूँ, मगर उसने किया क्या है? खून किया उसने। खून? जी हाँ खून, एक औरत का किया। सबसे अजीब बात यह है कि उसे याद नहीं है उसने खून किया। कैसे याद रहेगा, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। 3 साल पहले समीर जया नाम की किसी लड़की से प्यार करता था और शादी भी करने वाला था। दोनों शादी की शॉपिंग करके लौट रहे थे और फिर क्या, अचानक एक्सीडेंट हो गया उन दोनों का। उस एक्सीडेंट में जया की मौत हो गई।
समीर को ये लगता है कि जया की मौत उसकी वजह से हुई है। तो एक्सीडेंट हुआ और उसमें जया की मौत हो गई, मतलब सदमा सह नहीं पाया वो। जी सर, ये समीर ने जिस लड़की का खून किया है उसका नाम भी तो जया ही। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि समीर रवि की बीवी जया को अपनी जया मान रहा हो? शक्ल वगैरह मिलती है उसकी? नहीं विक, मुझे नहीं लगता। अगर वैसे होता तो वो खून ही क्यों करता जया का? ये कुछ अलग ही चक्कर है। डॉक्टर कमल तुम्हें क्या लगता है, ये समीर नाटक कर रहा होगा? याद नहीं रहने का मेरा मतलब है भूल जाने का। देखिए सर, जो बात थी वो तो मैंने आपको बता दी, अब वो नाटक कर रहा है कि नहीं ये तो उसी से पता चलेगा। उसी से पता चलेगा हाँ, कि वो नाटक कर रहा है या नहीं। ठीक है, हम पता लगा लेंगे। सच सच बताओ समीर, सच सच बताओ। सर आप लोग मुझसे जितनी बार भी पूछेंगे मैं बस एक ही जवाब दूंगा सर, मैंने खून नहीं किया सर। ये कहानी बनाने से काम नहीं चलेगा, गन तुम्हारे हाथ में थी समझे? सच्चाई क्या है बताओ। मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा सर। फिर से ड्रामा कर रहा है सर, भूलने का ड्रामा। सर मैं कोई ड्रामा वामा नहीं कर रहा हूँ, मैं भला उस लड़की को क्यों मारूंगा, मैं तो खुद उसे बचाना चाहता था। सर ये आदमी बकवास कर रहा है सर, सर इसी ने जया को मारा है सर, इसी ने। मैं भला जया को क्यों मारूंगा? क्योंकि तुम्हें लगा कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड जया है जो रवि के साथ रहती है, और ये तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए इसलिए तुमने उसका खून कर दिया। आप लोगों को मेरे बारे में सब कुछ पता? क्या हमें सब कुछ मालूम? देखिए मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने किसी का खून नहीं किया सर, मैं तो इस जया को जानता भी नहीं था, मैंने तो उसे कभी देखा भी नहीं सर। ये लोग तो अभी मेरे बिल्डिंग में आए थे रहने के लिए। कमाल है, अभी अभी ये लोग रहने आए और अभी अभी तुम्हें पता चल गया कि जया की जान को खतरा है। हाँ सर, क्योंकि जया ने खुद मुझे इंटरकॉम करके कहा था कि कोई उसे मारना चाहता है। सर ये रवि उसे रोज मारने की कोशिश करता था सर। उस दिन भी जब इसके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी तो सर मैं इसके घर पे जा पहुंचा सर। सर ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये मेरे घर पे आया था, मैंने अपनी बीवी को बाहर बुलाया, इससे बात करो सर। एक मिनट मिस्टर रवि, एक मिनट काम डाउन। समीर एग्जैक्टली क्या हुआ था उस दिन, सच सच बताओ। हाँ सर, उस दिन शाम को जब मैं घर पे पहुंचा था, उसके बाद तो मैं बेहोश हो गया था सर, आप सभी लोगों ने तो मुझे होश में लाया सर, उसके बाद क्या हुआ ये मुझे नहीं पता सर। समीर अगर ये मान ले कि तुम सच कह रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि रवि ने ये सारा प्लान बनाया है कि तुम ऑफिस से घर आओ तो तुम्हें चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे जैसा कि पहले भी सुनाई देती थी। तो ये सब एक ड्रामा है, ये एक ड्रामा है जो रवि ने बनाया है तुम्हें फंसाने के लिए। हाँ लगता तो ऐसे ही सर। सर सारे सबूत तो आपके सामने। सर ये आदमी मेरे घर पर पड़ा हुआ था, इसके हाथ में गन थी और इसके सामने मेरी बीवी की लाश पड़ी हुई थी सर। सर और कितने सबूत चाहिए सर आपको? सर मैं कह रहा हूँ ये आदमी गुमराह कर रहा है सर। सर ये मुझे फंसा रहा है सर। गलत, कोई तुम्हें नहीं फंसा रहा। अभिजीत खून इसी ने किया। खून इसी ने किया? गन पर इसी की उंगलियों के निशान है और गोली उसी गन से चली। क्योंकि सर गन तो मेरे हाथ में थी सर। सर जिस गन से गोली चली है वो गन समीर के नाम पे रजिस्टर है सर, गन समीर की है। व्हाट मिस्टर समीर, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है, सारी कहानी फेल हो गई तुम्हारी। सर मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि वो गन मेरे हाथ में कैसे आई सर, वो तो मैंने अपने कबर्ड में रखी थी सर। तो तुम ये कहना चाहते हो कि किसी ने तुम्हारे घर से वो गन चुराई, उससे खून किया और फिर वो गन तुम्हारे हाथ में थमा दी जब तुम बेहोश थे। हाँ, अभी याद आया सर, कुछ ही दिन पहले वो गन मेरे घर से किसने चोरी कर दी सर।
गन चोरी हो गई? जी जी सर। देखो समीर, अब ये ड्रामा बंद कर दो। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ, ये साबित हो चुका है कि खून तुम ही ने किया। सड़के साहब, एक मिनट। ये भी तो हो सकता है कि ये समीर सच कह रहा हो। तुम्हें इस पे यकीन है? नहीं, ये कह रहा था ना कि इसकी गन चोरी हो गई। देखो बॉस, मैं सिर्फ सबूतों में विश्वास करता हूँ। मैं भी सच पे विश्वास रखता हूँ डॉक्टर साहब, पर किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले सबूतों को जरा ठोक बजा के देख लेते हैं। ठीक है, तो फिर जहां पर जया का खून हुआ है मुझे वो जगह दिखा। आइए डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब। अच्छा, अब ये रुके। मतलब जया की लाश यहाँ पड़ी हुई, और ये समीर कहाँ? समीर डॉक्टर साहब ये यहाँ पे इस दरवाजे के पीछे यहाँ बेहोश पड़ा था। जया यहाँ थी, समीर यहाँ था इस दरवाजे के पीछे, जया उसके सामने पड़ी थी, और जया को गोली सामने से लगी एकदम सीधी उसके पेट में। दूरी भी लगभग 4-5 फीट, लगभग इतनी। समीर ने गोली चलाई सामने से, जया के पेट में गोली लगी और जया ऐसे गिर गई। सर इधर, पैर इधर, सब कुछ तो एकदम क्लियर है अभिजीत। सारे एविडेंसेस बता रहे हैं कि गोली समीर ने चलाई। देखो जैसा तुम बता रहे हो, समीर सामने खड़ा था और जया को भी गोली सामने से ही लगी, लगभग इतनी दूरी से, और उसके पेट में गोली लगी। और इतना ही नहीं अभिजीत, गन पर भी समीर की उंगलियों के निशान है। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है यार कि समीर ने गोली नहीं चलाई? डॉक्टर साहब ये भी हो सकता है, जैसा समीर ने बताया कि खून करने के बाद खूनी ने उसे बेहोश कर दिया था और उसको यहाँ पे डाल दिया, गन उसके हाथ में थमा दी, इसलिए समीर की उंगलियों के निशान गन पे है। ओ, मतलब आपकी थ्योरी ये कह रही है कि किसी और ने जया को गोली मारी, समीर को बेहोश किया और समीर को घसीटते हुए यहाँ ला करके पटक दिया और अपनी गन समीर के हाथ में पकड़ा दी, ये साबित करने के लिए कि गोली उसने नहीं समीर ने चलाई। नहीं बस, आई एम सॉरी, फॉरेंसिक साइंस तुम्हारी दलीलें नहीं मान सकती। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जया की लंबाई कितनी होगी? कितनी होगी? 5 फुट 7 इंच। और उसे गोली कितनी दूर से लगी? हाँ, एकदम 4-5 फीट की दूरी पर, और जमीन से लगभग 3 फीट 5 इंच। ओके, मतलब 3 फीट 5 इंच इस हाइट पे। तो आप डॉक्टर साहब ये बता सकते हो कि अगर इस हाइट से गोली लगी है तो खूनी की लंबाई क्या होगी? बिल्कुल, देखो अभिजीत, जया की हाइट है 5 फीट 7 इंच और गोली सामने से चली है, इसके पेट में आकर के लगी है जमीन से 3 फीट 5 इंच की दूरी पर। इसके घाव को देखते हुए तो हम कह सकते हैं कि खूनी की हाइट 5 फीट 7 इंच होगी। 5 फीट 7 इंच। अब मैं आपको बता दूं कि समीर की हाइट 5 फीट 11 इंच। What? जी हाँ, और आपकी थ्योरी के हिसाब से समीर खूनी नहीं हो सकता। भाया, अगर खूनी की हाइट 5 फीट 11 इंच है तो समीर खूनी नहीं हो सकता। अरे यार अभिजीत भाई, तुम एक काम करो, तुम फॉरेंसिक लैब ज्वाइन कर लो भाई, मेरी तो छुट्टी है बस। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, जो जहाँ है वहीं अच्छा है, मैं तो सिर्फ आपकी थोड़ी मदद कर रहा था, जस्ट हेल्पिंग हैंड सर। थैंक यू वेरी मच यार, क्या मदद की है, गुड। लेकिन सर अगर खूनी कोई और था तो उसने समीर पे गोली क्यों नहीं चलाई? शरीर सर, हो सकता है कि खूनी समीर को मारना ही नहीं चाहता हो, सिर्फ फंसाना चाहता हो। समझे रवि, आपको किसी आदमी पे शक है जिसकी लंबाई 5 फीट 7 इंच की हो, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हो, आपसे दुश्मनी रखता हो, आपकी वाइफ को मारना चाहता हो? सर मेरा कोई दुश्मन नहीं है और ना ही मुझे किसी पर शक है, सिर्फ समीर को छोड़कर। मिस्टर रवि, आप बता रहे थे कि जब यहाँ पे खून हुआ तो आप ऑफिस में थे? हाँ सर, मैं आप लोगों के सामने आया था, देखा था आप लोगों ने मुझे आते हुए। ठीक है मिस्टर रवि, जब तक ये तहकीकात पूरी नहीं हो जाती आप शहर छोड़ के मत जाना। कहाँ रखी थी गन? आइए सर, आइए सर, इसी अलमारी के
इसी दौर में फंसे यहाँ पे गन यहाँ से गायब हुई है जी सर तो ये काम करो तुम मार जाओ जी सर अगर गन यहाँ से चोरी हुई है तो समीर की उंगलियों के निशान के अलावा किसी और के भी उंगलियों के निशान होंगे यहाँ पे पकड़ी अलमारी के अंदर और बाहर जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं उसे उठा लेते हैं सारी के सारी उंगलियों के निशान एक जैसे समीर यहाँ ना देखो अपने ठीक है तुम जाओ जी सर सारे उंगलियों के निशान समीर पे इसका मतलब खूनी ने अपने हाथ में ग्लव्स पहना हुआ था इसीलिए उसके फिंगरप्रिंट्स हमें कहीं भी नहीं मिले ये सोची समझी प्लानिंग लग रही है ना फिर अरे ये क्या है ये कुछ फंसा हुआ है मैं निकाल दूं इसे ये देखो बड़ी इसे देख के लगता है कि ये रवि कहता है कि वो ऑफिस में था समीर कहता है कि खून उसने नहीं किया है तो फिर खून किया किसने कोई तीसरा ही आदमी है सर मगर तीसरा कौन सा ये कैसे पता चलेगा वही जिसकी लंबाई 5 फीट 7 इंच के करीब है जो जया और समीर दोनों को जानता है मगर ये गन तो सर समीर की है हाँ, लेकिन उसने बताया था ना कि गन चोरी हो गई लेकिन सर बंद घर में से गन को चुराना इतना आसान नहीं है खूनी ने घर कैसे खोला होगा उसे कैसे पता था कि गन कहाँ पे रखी हुई है दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं सर रेडी दिमाग पे इतना जोर मत डालो समझे समीर को बुला के लाओ ओके सर अभी बुला के लाता हूं मुझे अभी भी इस रवि पे ही शक है चाहे वो कितना बोले कि वो ऑफिस में था क्यों सर समीर ने बार बार कहा है ना कि उसने रवि को देखा है रवि को देखा है अपनी वाइफ जया को मारने की कोशिश करते हुए इस बात पे थोड़ी बहुत तो सच्चाई होगी बात पूरी झूठी नहीं हो सकती है हाँ सर आइए समीर तुम्हारे घर की चाबी किसी और के पास भी रहती है सर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही रहती है सर कौन कौन आता जाता है तुम्हारे घर में सर मेरे दोस्त यार रिश्तेदार लेकिन सर उनमें से ऐसा काम कोई नहीं कर सकता सर किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ कोई अनजान आदमी आया था ऐसा कुछ याद है तुम्हें सर अगर याद आता तो मैं आप लोगों को बता देता सर यार तुम्हारी भूलने की बीमारी बड़ी भयानक है कोई बाहर का आदमी आया नहीं फिर भी गन चोरी हो गई और तुम्हें किसी पे शक भी नहीं सर मुझे एक आदमी पे शक है सर मेरे घर के पास एक चाबी वाले रहते सर मुझे उस पे शक है सर क्यों क्योंकि एक बार जब मेरे घर की चाबी खो गई थी सर तो उसने बिना मेरे घर पे आए और बिना ताले को देखे सर चाबी बना दी सर क्या बिना ताला देखे चाबी बना दी जी सर क्योंकि इसके एक बार पहले जब मेरे घर की चाबी खो गई थी सर तो वो मेरे घर पे आया था चाबी बनाने के लिए और उसने चाबी का डिजाइन पेपर पे उतार लिया सर और अब वो डिजाइन देखकर ही चाबी बनाते सर अच्छा डिजाइन देख के ही चाबी बनाता है सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस चाबी वाले ने अपना कमाल दिखा दिया हो शायद डुप्लीकेट चाबी बना के किसी और को दे दी हो सकता है कहां बैठता है ये चाबी वाला
बोलो साहब। वो एक डुप्लीकेट चाबी बनाने। चाबी लाए? नहीं चाबी तो नहीं लाए। ताला? नहीं वो भी ताला भी नहीं लाए। अरे साहब क्या बात करते हैं, चाबी भी नहीं है ताला भी नहीं है, तो चाबी क्या हवा में बन जाएगी? अरे नहीं 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 हवा में नहीं, हमें एक फ्लैट की चाबी बनवानी है। इतना वक्त नहीं है मेरे पास कि आप लोगों के साथ चल सकूं। आप लोग ऐसा करिए कि आप कल आइए। अरे अब हमने तो सुना है कि तू बिल्डिंग का नाम सुनते ही चाबी बना देता है जिस किसी भी फ्लैट की। हाँ बना देता हूँ, लेकिन उसके हिसाब से माल भी देना पड़ता है। माल की चिंता तू मत कर, जो मांगेगा दे देंगे। फिर बोलिए ना किस बिल्डिंग के किस फ्लैट की चाबी बनवानी है आपको? श्रद्धा बिल्डिंग, फ्लैट के मालिक का नाम समीर। क्या समीर के फ्लैट की चाबी? हाँ क्या हुआ, समीर का नाम सुनते करंट क्यों लग गया तुझे? देखिए मैं उस फ्लैट की चाबी नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि उस फ्लैट में लफड़ा हुआ है, खून वगैरह हुआ है वहाँ पर। अरे सर इसे तो सब कुछ पता। तो इसे ये भी पता होगा कि इसने उस फ्लैट की चाबी किसको बना के दी थी? मैंने किसी को चाबी बनाकर नहीं दी। आप लोग यहाँ से जाइए। जाएंगे तो तुझे साथ में लेके जाएंगे। मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। और आप होते कौन है मुझे ले जाने वाले? सीआईडी। अब चुपचाप बता किसको चाबी बना के दी? एक लड़की को चाबी बनाकर दी थी। कौन थी वो लड़की? वो कह रही थी कि वो समीर की बीवी है, मगर मुझे लगा कि वो झूठ बोल रही थी। मालूम नहीं है फिर भी चाबी बना के दी। साहब पैसे के लालच में आकर उसने मुझे अच्छा खासा पैसा दिया, मैंने भी उससे कुछ ज्यादा नहीं पूछा। कुछ और मालूम है उस लड़की के बारे में? हाँ साहब उसकी गाड़ी का नंबर है मेरे पास। बड़ा समझदार आदमी है ये। उस लड़की को फिर से देख लोगे तो पहचान लोगे? हाँ साहब बिल्कुल पहचान लूंगा। चलो हमारे साथ चलो, दुकान बंद करो और उस लड़की का स्केच बनवा दो हमारे लिए। चलो सर ये उस लड़की का स्केच है, इसी ने समीर के घर की डुप्लीकेट चाबी बनवाई है। लड़की मतलब खून में एक लड़की भी शामिल है बॉस? समीर के घर से आप लोगों को ये जो टुकड़ा मिला है ना, ये दरअसल एक ग्लव का टुकड़ा, हाथों के दस्ताने का। ग्लव का टुकड़ा? मतलब खूनी ने ग्लव्स पहने थे गन चुराते वक्त और फिर जाके जया का खून किया। बिल्कुल लगता तो ऐसा ही। इसीलिए डॉक्टर साहब समीर की उंगलियों के निशान के अलावा गन पे किसी और की उंगलियों के निशान नहीं मिले। सर अब हमें पता कैसे चलेगा खूनी के बारे में? ये लड़की भी तो हो सकती है, इसने डुप्लीकेट की बनवाई। सर एक मिनट ये देखिए प्लीज। ये देखिए खूनी हमारे लिए इस ग्लव के अंदर वाले हिस्से में कुछ छोड़ गया। ये है क्या? कुछ खून जैसा दिख रहा है। नहीं अभिजीत ये खून नहीं है, ये एक केमिकल है। केमिकल? कैसा केमिकल? सर ये एक नेल पेंट है, नाखूनों पे लगाने वाला पॉलिश। अच्छा ये बहुत ही खास किस्म का नेल पॉलिश है। फिर तो सर हम बड़ी आसानी से इस लड़की को ढूंढ सकते हैं। ढूंढ तो सकते हैं फ्रेडी, लेकिन आसानी से नहीं, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत तो हम हमेशा ही करते हैं डॉक्टर साहब, मेहनत के लिए कब पीछे हटे। हाँ वो तो है। चलो मैं तुम्हारी मुश्किल थोड़ी सी आसान और कर देता हूँ। बॉस इस नेल पेंट की कंपोजिशन से पता चलता है कि ये नेल पेंट युगेल कंपनी का बनाया हुआ है, बहुत ही खास किस्म का नेल पेंट बनाती है कंपनी, हर दुकान पर नहीं मिलता। युगेल कंपनी? फिर एक काम करो इस स्केच को लेकर जाओ और युगेल कंपनी की जितनी भी दुकानें हैं शहर में सब में जाकर के देखो, देखो क्या पता चलता है इस लड़की के बारे में। सुबह सुबह ना जाने किसका मुंह देख लिया, अभी तक कुछ पता नहीं चला है, कहीं से भी सुराग नहीं मिला है उस लड़की का। चल चल के थक गया हूँ। चलने से सेहत भी तो बन रही है बड़ी। भूख भी तो लग रही है। तुम्हारे भूख के बारे में तो मुझसे बात मत करो। वाइफ के लिए कुछ लेना है। आपको कैसे पता चला? शादीशुदा आदमी का दूर से ही पता चल जाता है। तो वो कैसे? उनके चेहरे पे हवाइया जोड़ी होती है। अच्छा स्केच देख, इस लड़की को कभी देखा? आप लोग है कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? ये लड़की तो हमारी रेगुलर कस्टमर है, लेकिन आप लोग उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? हमें इस लड़की से कुछ पूछताछ करनी है। कैसी पूछताछ?
ये खून के बारे में। खून? हाँ। और कुछ जानती हो उस लड़की के बारे में? मैंने सुना है कि ये किसी हॉस्पिटल में काम करती है। किस हॉस्पिटल में काम करती है? शायद कोई उमंग हॉस्पिटल। उमंग हॉस्पिटल? हाँ सर। सर ये तो वही हॉस्पिटल है ना जहाँ पे समीर का इलाज चल रहा था। हाँ। इस उमंग हॉस्पिटल का कुछ चक्कर लगता है फ्रेडी। डॉक्टर प्रकाश आपकी कैजुअलिटी वार्ड में सख्त जरूरत है। सुनिए इसे जानती है ये लड़की यहाँ पे काम करती है? हाँ सर ये तो मेघा है ये तो हमारे यहाँ नर्स है। मेघा कहाँ है मेघा बुलाइए सर। सर क्यों क्या हुआ उसने कुछ किया है क्या? हम लोग सीआईडी से कहाँ पे मिलेगी? सर वो तो नर्स के कैबिन में होगी। ये आप इसे मेघा कौन है? मेघा वो तो चली गई। चली गई कहाँ चली गई? पता नहीं कुछ बताया नहीं उसने बहुत जल्दी में लग रही थी वो शायद वो अपना सामान भी यहीं छोड़ गई है। सामान छोड़ के चली गई कहाँ है सामान? वो उसका लॉकर है लॉकर नंबर 25। लॉकर नंबर 25 ताला लगा हुआ है। जिन मरीजों की देखभाल कर रहे थे शायद उनकी केस फाइल्स हैं। ये देखें सर किसी जया नाम की मरीज की भी देखभाल कर रही थी। पति का नाम रवि। अरे सर ये तो वही जया है रवि की पत्नी जिसका खून हो चुका है। रवि की पत्नी जया भी यहाँ पे थी और समीर का इलाज भी यहीं चल रहा था ये क्या चक्कर है? ये देखिए डॉक्टर हिमेश का नाम लिखा हुआ शायद उससे कुछ पता चल जाए। चलो एक्सक्यूज मी ये डॉक्टर हिमेश अभी है हॉस्पिटल में? जी सर है ना। जरा उन्हें जल्दी बुलाइए यहाँ पे। जी सर। डॉक्टर प्रकाश आपकी क्या रिपोर्ट? हेलो हिमेश सर सीआईडी वाले आपसे कुछ पूछताछ करने आए हैं। जी सर आप रिसेप्शन में आ जाइए। जी सर वो आ रहे हैं। थैंक यू। रवि की बीवी जया यहाँ पर थी समीर भी यहाँ पे था। समीर और रवि दोनों पड़ोसी हैं। समीर के ऊपर जया का खून का इल्जाम है और इन सब के बीच में ये नर्स मेघा। सर पहले डॉक्टर कमल और अब न जाने कहां से इस कहानी में डॉक्टर हिमेश भी आ गए। कहानी में ट्विस्ट तो नहीं है? देखते हैं फ्रेडी। आपने मुझे बुलाया सर। डॉक्टर गायनेकोलॉजी वार्ड में आपकी सख्त जरूरत है। डॉक्टर हिमेश इस जया का इलाज आप ही कर रहे थे ना? रवि की वाइफ जया। जी हाँ पिछले एक साल से मैं ही उनका इलाज कर रहा था। एक साल से वो यहीं पे थी? हाँ उन्हें हार्ट की परेशानी है दवाइयाँ कुछ काम नहीं कर रही थी मगर अब वो ठीक है। जी नहीं उनका खून हो चुका है। खून हो गया? किसने किया ये खून? यही तो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अच्छा आपने उन्हें यहाँ से घर जाने कब दिया? डिस्चार्ज कब हुआ था? ये कुछ दो दिन पहले वो यहाँ से चली गई। क्या सिर्फ दो दिन पहले? सर समीर तो कह रहा था कि रवि और उसकी वाइफ के बीच में पिछले 5 दिनों से झगड़ा चल रहा था। और अगर जया यहाँ पे थी तो रवि झगड़ा किससे कर रहा था? वो चाकू लेके किसके पीछे भागा था? सर जया तो भाग ही नहीं सकती थी उसकी तबीयत खराब थी। तो उसकी तबीयत खराब थी तो उसे यहाँ से डिस्चार्ज क्यों दिया? सर मैंने मना भी किया था रवि साहब कहने लगे घर में रहेगी जल्दी ठीक हो जाएगी। बहुत दिन हो गए हॉस्पिटल में रहते हुए अब मैं घर ले जाना चाहता हूँ। उसकी देखभाल करने के लिए मेघा को रख लिया था उन्होंने। मेघा उसके घर में भी देखभाल करती थी? हाँ सर। तो ये रवि और मेघा का ड्रामा था। चलो एसीपी साहब को इन्फॉर्म कर देते हैं। सर इस केस के पीछे 2 लोगों का दिमाग है सर रवि और वो नर्स मेघा। जी सर। सर हम लोग अभी भी हॉस्पिटल में हैं वो यहाँ से भाग गई है सर। ठीक है सर। देखो इसके घर से कुछ पता चलता है कहाँ छुप के बैठा ये रवि। बस जब भी मुजरिम पकड़े जाना हुआ होता है कुछ ऐसा ही नजारा होता है। लगता है रवि घर में कुछ ढूंढ रहा था। हाँ फ्रेडी जरूर कुछ ढूंढ रहा होगा। जरा घर को अच्छी तरीके से चेक करो देखो क्या पता चलता है। रवि सारा सामान लपेट के भाग गया है। सर यहाँ से भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि वो गया कहाँ है। कोई ना कोई सबूत तो मिलना चाहिए यार।
बस की बुक? हाँ हाँ बस की बुकिंग, हाँ बोलिए सर। वो जो बस थी वो बॉम्बे से पुणे जाने वाली, वो एक घंटे लेट है सर, तो आप उसी हिसाब से आ जाएंगे? अच्छा ठीक है, मैं उसी हिसाब से आ जाऊँ। ओके सर। बस से जा रहे हैं कहाँ? पुणे सर। पुणे भागने की तैयारी में है। बस डिपो रमादन ट्रेवल की बस अभी तक नहीं आई, ना ही रवि आया है। कहाँ रह गए लोग? अरे ये रवि आ गया। जल्दी चलो कहीं देर ना हो जाए। साथ में कौन है ये? नर्स मेघा लगती है। जल्दी जल्दी चलो यार, टाइम हो गया, नहीं तो बस निकल जाए हमारी। एक काम करो, तुम लोग पीछे से जाओ। हो सीआईडी, भागो भागो दौड़ो। बीवी को मार के नर्स को लेके भाग रहा है, है? मैंने ही मरवाया जया को। पर क्यों क्यों मरवाया तुमने उसे? वो तो तुम्हारी बीवी थी ना। हाँ वो मेरी बीवी थी, पिछले एक साल से उसका इलाज करा करा कर मैं उब चुका था, उससे मैं पीछा छुड़वाना चाहता था ताकि तुम आराम से मेघा से शादी कर सको। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक दूसरे के लिए हम कुछ भी कर सकते थे। एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हो? अरे तो फिर जया को डिवोर्स ही दे देते, उसे मारने की क्या जरूरत थी? किसका प्लान था ये? मेघा को समीर के बारे में सब कुछ मालूम था, वो जानती थी कि समीर का दिमाग ठिकाने पर नहीं है, वो उसका इलाज करवा रहा। समीर का इलाज तुम्हारे हॉस्पिटल में चल रहा था ना, इसलिए तुम समीर के बारे में सब कुछ जानती थी। हम लोगों ने समीर के ही बिल्डिंग में उसके सामने वाला फ्लैट लिया, ये सोच के कि वहां रोज कुछ ऐसा करेंगे जिससे बिल्डिंग वालों को वाकई में यकीन हो जाए कि समीर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। और मौका मिलते ही जया को मार देंगे और सारा इल्जाम डाल देंगे समीर पर। क्यों? मैं और मेघा एक दूसरे से लड़ने का नाटक करते थे ताकि समीर को लगे कि जया और मैं लड़ रहे हैं। मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश? और जैसे ही बिल्डिंग के लोग आते थे तुम जया के साथ सामने आ जाते थे, हैं? मगर जया तो घर में होती थी ना, उसे पता कैसे नहीं चला कि तुम दोनों नाटक कर रहे हो? हम लोग उसे नशे की गोलियां खिलाते थे। समीर जब पड़ोसियों को लेकर आया था तब वो वही नशे में सोई हुई थी। तुम कहाँ रहती थी उस वक्त? ये घर में छुपी रहती थी। उसके बाद जब जया एक बार बाथरूम में गई थी तो मेघा ने जया बनकर समीर को फोन किया और कहा कि मेरी जान खतरे में है, मुझे बचा लो। तुम दोनों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। एक नर्स का फर्ज होता है बीमार की देखभाल करना, मगर तुम प्यार के चक्कर में तुम खूनी बन गई। और तुम रवि, अपनी बीमार बीवी पर जरा भी रहम नहीं आया तुम्हें। तुम दोनों अब जेल में सड़ते रहो फांसी का ऑर्डर आने तक।